अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हैं और बहुत आसानी से आप बना लेंगे। बस इसके लिए आपको 3 फ्रूट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लेंगे अमरूद, फिर हम लेंगे सेब और फिर हम लेंगे कीनू। बस इन 3 चीज़ों से आप आसानी से एक हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं। कीनू हम छील लेंगे और उसके बीज निकाल लेंगे, बीच में से काट के। ये हमने तकरीबन 2 ऑरेंजेस लिए हैं और इनको हमने काट के रख लिया है। अब हम सेब काटेंगे, सेब के छिलके उतारें। सेब भी हम तकरीबन 2 से 3 लेंगे। सेब के छिलके उतर गए हैं। अब सेब को हम छोटे छोटे पीसेस में करेंगे और इसको हम काट के सारा इकट्ठा एक जगह डाल देंगे जहाँ हमने ऑरेंजेस डाले हैं। अब हम अमरूद लेंगे यानी गुआवा, इसको भी हम ऐसे ही, बस इसके हमने बीज नहीं डालने। बीज जो हैं वो फिर दांतों में फंस जाते हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि इसका साइड से जो पीस है वो काट लेंगे और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। आप देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे काटें ताकि बीज बिल्कुल भी मुंह में ना आए। अमरूद हमने 5 से 6 लेने हैं और ये देखें सारे अमरूद आराम से कट जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसे हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो हम इसमें हनी इस्तेमाल करेंगे। शहद बहुत ही फ़ायदा देता है आपके गले को, तो आप इसमें शहद ज़रूर डालें। कोई भी सॉस या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालें, बल्कि लेमन डालें। लेमन भी बहुत फ़ायदा देता है, इसमें विटामिन सी होता है और आपके गले को बहुत ठीक रखता है। आजकल वैसे ही कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा तबीयतें ख़राब रहती हैं लोगों की, तो आप ये इस्तेमाल करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी और आपके गले को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और आपका पेट भी सही रहेगा। जी, अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर आप इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लें ताकि आप इजीली सर्व कर सकें। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी तैयार है, जो कि बहुत ही हेल्दी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा जी, अब जाने का वक्त आ गया है। अपनी नई वीडियो के लिए मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं नई वीडियो कौन सी बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।